सर जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में जी। जो व्यूअर्स आपको सर कैमरे की नजर से देख रहे हैं ना, अपना एक पहला छोटा सा परिचय दीजिए जी। मेरा नाम आशीष मलिक है और सभी आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से राम राम, और मैं अपने कड़कनाथ फार्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ये अपना खेती का ही काम है जी। और ये एक हमारे पास छोटा बगीचा था जी जी, तो अभी 2 साल पहले कीड़े की वजह से हमारी फसल खराब हो गई थी जी, अमरूद की पूरी फसल खराब हो गई थी। उस टाइम हमने सोचा भाई इसके अलावा कुछ ऐसा किया जाए जो इसी में कुछ और भी कर सके जी। फिर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने के बाद पता चला कि ये कड़कनाथ का फ्री रेंज फार्मिंग बगीचे में कर सकते हैं, तो हमने ये उसी के हिसाब से कड़कनाथ जी। तो शुरुआत की बात की जाए सर, आपने कब शुरुआत की थी इसी? ये हमने पिछले साल दिसंबर में की थी। अच्छा, दिसंबर में की थी। किस चीज से की थी, बच्चों से की थी या सर? नहीं नहीं, बड़े बच्चे लाए थे हम। अच्छा अच्छा, कितने से शुरुआत की थी सर आपने? 250 बर्ड्स लाए थे। 250 बर्ड लगाए थे। तो कड़कनाथ जैसे आप कर रहे हो सर, फ्री रेंज है, मैं दिखाई पा रहा हूँ किसान भाई को जी। और तो इसका क्या बेनिफिट है रखने का जी? फ्री रेंज में रखने का ये है, तो इनकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो अच्छी रहती है, दूसरा बीमारी कम आती है, और हमारे पास पूरा देसी और ऑर्गेनिक पैटर्न से ही है। आप देख सकते हो इधर ये पालक है, बरसी में हरा चारा, इनकी फीड में 50-60% हरा चारा होता है, तो इसके हरे चारे के लिए हमने इसी में इसका इनके लिए पालक हो गया, बरसी में हो गया, ये एक मक्खन घास है जी जी जी, ये इनके हरे चारे के लिए बोया हुआ है जी जी। और बाकी जो दाना है हम फैक्ट्री फीड नहीं डालते कोई भी जी, हम वो भी अपना मंगा के, चना बाजरा सोयाबीन मक्का जो भी है उसको अपना मंगा के अपना ही डालते हैं। अच्छा, दाना भी खुद का तैयार करते हैं? ये मेरे हिसाब से शायद चिकन में तो बोले तो इससे अच्छी कोई ब्रीड नहीं है जी, इससे मजबूत कोई ब्रीड नहीं है और इससे बेनिफिशियरी कोई ब्रीड नहीं है जी। अभी इसके अंडे का भी आप देखो, आप गूगल करके देख सकते हैं कि शायद है, मैं नहीं समझता कि कड़कनाथ के एग से पावरफुल या प्रोटीन में बहुत गुणवत्ता का सर, इसका अंडा भी और मीट भी सर दोनों से कोई कम्पीट नहीं करता जी जी। इसमें 28 ग्राम प्रोटीन है जी, जो इसकी प्रोटीन वैल्यू है हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसी के चक्कर में अच्छा फीड अच्छा दाना वो डालते हैं, प्योर ऑर्गेनिक के साथ तैयार कर रहे हैं। और हमारे एरिया में मैं समझता हूँ जहाँ तक जितने भी मेन जो बीमार लोग हैं वो तकरीबन सब यही से अंडा ले रहे हैं जी, और सभी को फायदा है, जो हम फीडबैक लेते हैं जी जी, सभी को फायदा है। तो आपने ये अंडे पर्पज से की हुई है ब्रीड? अभी तो ये मीट पर्पज से भी है, अंडे से भी है जी जी। ये है, जिसको चिकन चाहिए वो चिकन भी ले सकता है जी। तो आपने जो आपका जो एरिया है सर, ये कितना एरिया है सर? ये 1 एकड़ का एरिया, 1 एकड़ का एरिया में आपने इसमें बगीचा लगा हुआ है जी जी, 1 एकड़ का। तो जी मैं ये 10x50 की शेड है। तो एक बार पहले स्ट्रक्चर भी दिखाइए जो हमारे किसान भाई है। तो इसमें जो आपका 10x50 का स्ट्रक्चर है सर ये, हाँ जी, तो इसमें क्या कॉस्ट आई थी सर आपकी बनाने में? इसमें तो कॉस्ट तो इसकी ज्यादा नहीं आती है, कॉस्ट तो कम ही है इसमें, ज्यादा क्या है, जालिया है और 2-4 हजार ईंट लगी हुई है जी जी जी। कम खर्चे में आपका स्ट्रक्चर भी तैयार है सर? स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इसका जी जी। और इसको ज्यादा कुछ वो हीटर भट्टी ये वो नहीं चाहिए जी जी जी। बीमारी की बात की जाए, जैसे आपको सर 1 साल से ज्यादा हो गया सर जी, जी, अभी तक इसमें कौन कौन सी आपने बीमारी फेस की है, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे। हमारे पास तो सर अभी तक मैं आपको कोई बीमारी ऐसी खास आई नहीं जिससे हमारा कोई खास नुकसान हुआ हो जी जी। एक दो बर्ड का भी वो तो नेचुरल भी है कि 1-2 बर्ड हो जाता है जी जी, तो वैसे इसमें कोई खास ना तो कोई बीमारी आती है क्योंकि ये तो खुद ही आप इसको इलाज मान सकते हैं जी जी जी, और कोई खास बीमारी नहीं है जी सर। ये फल है आपके जो अमरूद वगैरह के बताया बीमारी आ गई थी जी, तो ये जो वेस्ट फल होता है इन्हें भी खा लेते हैं सर? पूरा सब इन्हीं का था। अच्छा, इनका ही है जी। बीच में अगर मंडी भी जाती है हमारी, ट्रॉली जाएगी जी, मंडी टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गई जी जी, जो वैसे है या जो सस्ती है सब्जी है वो भी लाके हम इनको डाल देते हैं जी जी। कहना चाहोगे जो हमारे नए व्यूअर्स है, किसान भाई है, मैं नए व्यूअर्स को और किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि किसी की नौकरी करने से अच्छा अपना बिजनेस करें जी। तो काम अच्छा है जो करना चाहते हैं, करना अगर मार्केटिंग कर सकते हैं तो काम अच्छा है जी। तो सर जैसे आपने बताया मार्केटिंग कर सकते हो, तो आपने इसकी मार्केटिंग लिए, एक तो सर आपका रोड पे है तो ज्यादा प्रचार करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। बस यही है जी, हमारा तो रोड हेड पे है, बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं जी, आपने पोस्ट वगैरह अच्छे काफी अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं। मार्केटिंग के लिए कोई ज्यादा खास वो नहीं है क्योंकि हमारे एरिया में है नहीं, तो अभी ये है जहाँ तक भी दूर दूर तक पता है लोगों को। तो सर जैसे आपका अंडा वगैरह यहाँ से अच्छा सेल हो रहा है सर? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा मुर्गा वगैरह सब सेल हो रहा है जी। तो आपका रोड का बेनिफिट आपको अच्छा मिल रहा है? रोड का बेनिफिट है जी जी, रोड हेड पे होने की वजह से ज्यादा पब्लिसिटी या मार्केटिंग वो नहीं करनी पड़ी हमें जी जी। हमारा यहीं से अंडा भी पूरा यहीं से चला जाता है और चिकन बर्ड्स वगैरह भी जिसको चाहिए वो मिल जाती है जी। अभी आगे चिक्स का भी काम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, आगे अगर किसी को छोटे बच्चे चाहिए होंगे तो हम वो भी अवेलेबल करा देंगे जी जी जी। तो सर आपने जैसे कड़कनाथ फार्मिंग कर रहे हो सर जी, तो क्या कहना चाहोगे जो हमारे नए व्यूअर्स है,
किस तरीके से आदमी कर सकता है, कितने लेवल से ही करके चले वो, छोटे लेवल से जो कोई करना चाहता है? रिकमेंडेशन के ऊपर है, जिसका मतलब जिसके पास जितनी जगह है उसी के हिसाब से। अगर किसी के पास बगीचा है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो उसके साथ अगर इसको करते हैं तो और ज्यादा अच्छा है जी। तो आपने सर इस ब्रीड का ही चयन क्यों किया? डबल एफजी भी थे सर, मैंने इसके बारे में भी सर्च किया ना कि और क्या है बाकी, क्या वो टोटली मीट पर्पज के हिसाब से जी जी। हमने इनको चुना है मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से जी जी, क्योंकि अगर हम कुछ चीज रख रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए जी जी। ये एक ब्रीड में समझता हूँ, हमारे फार्म का अंडा हो या चिकन हो, ये सिर्फ बेनिफिट ही करेगा, इसका नुकसान कुछ नहीं है जी। तो अब करंट की बात करें, कितने सर मुर्गे होगी सर आपके पास? अभी हमारे पास 400 के करीब है। 400 के करीब है जी। तो अब क्या आगे का प्लान सर क्या है आपका? प्लान ये है जी, बढ़ाएंगे। अच्छा बढ़ाएंगे जी। अब मौसम फरवरी चल रही है सर आज, अभी अभी पूरा गर्मी का वो है, इसमें पूरा तैयार कर लेंगे जी जी। मैं 2,500 बच्चे करीब करने का इस बार का टारगेट है जी जी। तो स्पेस तो सर आपके पास काफी अच्छा है, काफी है जी। और इसमें साथ इसको जितना घटाना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा लें जी। 400 रुपए सर बाउंड्री करवाई हुई है जी, आपने जाल की बाउंड्री करवाई हुई है जी, यानी कि प्रॉपर पक्का काम कर रखा है सर। प्रॉपर बहुत पक्का है जी, हमने तो कैमरे वैमरे सब कुछ सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई किसान भाई इस तरीके से करना भी चाहता है, अच्छा सेटअप है सर, यहाँ विजिट भी करना चाहता है, तो सर एड्रेस क्या पड़ता है? वेलकम है जी, हमारा गाँव पुसार पड़ता है, बड़ोद बुढ़ाना रोड पे, जिला बागपत है जी। और जब भी कोई भी आना चाहे उनका मोस्ट वेलकम है आए। तो एक बार नंबर और बता दीजिए सर। मेरा नंबर है सर 9528818371 जी। वैसे तो सर का बोर्ड में भी नंबर है, पर सर ने मैनुअली बोल दिया, जो कोई किसान भाई जी 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 हाँ करना चाहता है या मुर्गी पालन करना चाहता है, आसपास के कोई इलाके से आना चाहता है आ सकता है, और सर के पास अंडा या अगर मुर्गियां वगैरह भी लेना चाहता है मिल सकती है। तो बहुत अच्छे फार्म है किसान भाई, ऐसे फार्म पर विजिट जरूर करनी चाहिए। जो कोई नया किसान भाई है, विजिट करना चाहता है या मुर्गी पालन करना चाहता है, जरूर करे। प्योर 100% ऑर्गेनिक और फ्री रेंज फार्म है। तो किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करें, और कोई भी आपकी कोई भी रिक्वायरी है तो हमें कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।